सरोकार। को दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे G20 में जिनपिंग बाइडेन भी होंगे मौजूद। मैनपुरी उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे डिंपल यादव, अखिलेश यादव 1784 भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर 22 नवंबर को गुजरात में करेंगे प्रचार राहुल गांधी। अमृतसर समेत पंजाब के कुछ हिस्सों में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल 4.1 की तीव्रता। 100 करोड़ में विधायकों की खरीद फरोख्त, तेलंगाना पुलिस का 4 राज्यों में छापा, धर्मगुरु समेत 3 अरेस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। उन्नाव में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता के घर पर हो रही भागवत कथा में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने लोगों के स्वस्थ रहने की कामना की। इसके साथ ही डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा उपचुनाव प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी, पार्टी तीनों जगह खतौली, मैनपुरी, रामपुर में भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। गाजीपुर में कोतवाली से की कमान संभालने की एसपी ओमवीर सिंह शहर के सड़कों पर उतरकर भारी फोर्स के साथ सदर रूट मार्च निकाला। ये रूट मार्च कोतवाली से शुरू होकर शहर के पुराने जिला अस्पताल नखास नवाब साहब फाटक होते हुए पुनः कोतवाली में आकर खत्म हुई। इस दौरान एसपी ओमवीर सिंह ने कहा कि रूट मार्च का उद्देश्य जनता में विश्वास पैदा करने के लिए शहर के मुख्य जगहों पर रूट मार्च निकाला गया है। पिछले 5 साल से लगभग हर जनपद में प्रतिदिन रूट मार्च हो रहा है, और इसका पर्पज केवल यह है कि लोगों में विश्वास हो कि पुलिस जनता के लिए है, और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनमें भी ये भय बना रहे कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। इस बहाने लोगों से सड़क पर चलते हुए बात हो जाती है, कई बार कुछ लोग बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं, और एक तरह से लोगों में कानून के राज्य के प्रति विश्वास पैदा करना। हरदोई में उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया। वार्ड के बाहर उन्हें काफी गंदगी व कमियां नजर आईं, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वाड़ी गुप्ता को इसको जल्द से जल्द सुधार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश तिवारी को भी तलब किया और इस मामले को लेकर जमकर फटकार लगाई। सरकार बहुत गंभीर है डेंगू को लेकर के, कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार प्रयास करती है, प्रयत्नशील है। और जो डेंगू आजकल देख रहे हैं फैला हुआ है, तो हमारे यहाँ इससे कोई भी व्यक्ति कोई परेशान ना हो, तो इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आज सरकारी हॉस्पिटल में देखने आई थी इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, निरीक्षण किया, साथ में बैठक भी की, तो उसी के लिए कुछ जगह हमको दिखा कि गंदगी दिखी, उसके निर्देश दे दिए डॉक्टर साहब को। खबर उन्नाव से है, जहां 10 नवंबर को घर में खून से लथपथ एक दलित युवती की लाश मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने 4 दिन के अंदर ही इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक युवक मृतिका का प्रेमी बताया जा रहा है। देखिए, 10 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत होता कोतवाली सदर पर 906/22 302/376 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें एक युवती थी जो अपने घर पर अकेली थी, तो उस मौके का फायदा उठाकर उसका पूर्व से एक जानने वाला परिचय था, वो घर पर आया और उसके द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया, जबरदस्ती उसके साथ जबरदस्ती की गई।
और दुष्कर्म की घटना की गई और जिसके कारण वो दवाई लिए हुए था जो उत्तेजना बढ़ाने वाली थी, सेवा जो दवाइयाँ होती हैं उनका सेवन किए हुए था, तो इसके बाद उसने फोर्सफुल जो एक्ट था दुष्कर्म का वो किया गया। बिजनौर की धामपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर राजपुताना के पास चैन स्नैचिंग के मामले में फरार चल रहे 25,000 के दो इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में थाने के दो सिपाही भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए पुलिसकर्मियों और इनामी बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना धामपुर जिला बिजनौर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज शाम को चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिसमें दो व्यक्ति सवार थे उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो वाहन न रोक करके पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग गए, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसका पीछा किया और फायरिंग में दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है जो बाबरिया गिरोह से संबंधित है और 25,000 के इनामी बदमाश भी है। इस घटना में दो पुलिस वालों को भी चोटें आई है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। थाना धामपुर जिला बिजनौर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज शाम को चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिसमें दो व्यक्ति सवार थे उनको रोकने का। देवरिया में भलुअनी थाना क्षेत्र के ग्राम कदौरी में दबंगों के आगे बेबस ग्रामीण नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम कदौरी के पीड़ित राजदेव पटेल एवं ग्रामीण बरसों से जिस रास्ते से आते जाते हैं उसे कुछ दबंगों ने बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक उस रोड को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था और इस मामले में दबंगों और ग्रामीणों के बीच समझौता भी हो चुका है। फिलहाल ग्रामीणों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अरे सर, मामला तो इतना ज्यादा दिन से चल रहा है, वो रोड बहुत पुराना है। हम लोग का अभी जन्म क्रम नहीं हुआ था, बाप दादा के जमाने से रोड चल रहा है। ये दो तीन आदमी की वजह से जो है पूरा रोड ब्लॉक हो रहा है। थाना पुलिस किधर भी हम लोग जा रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई हम यही चाहते हैं कोई बड़ा अधिकारी आए, यहाँ आकर देखे जो हम लोग गलत हैं तो हम लोग को वो रोड बंद करा दे, नहीं हम लोग गलत हैं तो उस हिसाब से हम लोग का रोड निकलवाए। कितने घर के लिए वो रोड जाता है? अरे कम से कम 6-7 घर के लिए रोड है वो। कितने वर्षों से होगा ये लगभग? अरे कम से कम वो हम लोग को बाप दादा के जमाने से है वो। 3 बार रिपेयरिंग हो गई, 3 वर्ष से चल। रिपेयरिंग किसके द्वारा बनवाया गया था ये रोड? प्रधान बनोलो चाहे जौन महल। क्या इसके पहले आप लोग चलते थे तो कभी आपत्ति वपत्ति किए थे? कुछ नहीं। ये कब से आपत्ति कर रहे हैं? अब ये खड़ंजा उजारा लागल हो। किसके आदेश अनुसार ये खड़ंजा उजार रहे हैं? ये पाइप पड़े लागा, ये पड़े रोका गल की नहीं। नहीं, कौन सा अधिकारी के आदेश पे उजाड़ रहे हैं ये? नहीं उजाड़े, प्रधान प्रधान जैसे खड़ंजा उजरवा के रिपेयरिंग करा। फरुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में पुलिस की तरफ से की जा रही चेकिंग के दौरान बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार शातिर बदमाश पर पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग में इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। घायल इनामी बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। बाद में जिला अस्पताल लोहिया पहुंचकर एसपी अशोक कुमार मीणा ने शातिर बदमाश से पूछताछ की। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।